दोस्तों बल्की बॉडी हर कोई बना पाता है, लेकिन लीन मसल्स हर कोई नहीं बना पाता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर एक्टर चाहे बॉलीवुड के हो या हॉलीवुड के हो, उनके लीन मसल्स होते हैं, न कि बल्की मसल्स। लीन मसल्स इसके लिए होते हैं क्योंकि वो फिट होते हैं, उनकी बॉडी कटिंगदार होती है, उनके एब्स होते हैं, उनकी वेंस दिखती है। तो आज का जो वीडियो है वो वर्कआउट प्लान है लीन मसल्स बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा लीन मसल्स कैसे बनाना है। लीन मसल्स बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिससे आपकी लीन मसल्स बनेगी। यहाँ पर आपका डाइट प्लान तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका वर्कआउट प्लान। अगर वर्कआउट प्लान सही होगा तो आपकी लीन मसल्स बनेगी। लीन मसल्स बनाने के लिए नंबर वन बात आती है बॉडी फैट परसेंटेज। अगर बॉडी फैट परसेंटेज आपका ज़्यादा होगा तो आपकी मसल्स क्लियर नहीं दिखेगी, आपकी वेंस भी बाहर नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा तो आपकी मसल्स बाहर दिखेगी और कटिंगदार मसल्स दिखेगी। तो बॉडी फैट परसेंटेज कम कैसे करना है उसके बारे में हम आज एक्सरसाइज बताएंगे, जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा। बॉडी फैट परसेंटेज के लिए आपको कार्डियो की एक्सरसाइज ज़्यादा करनी होती है, तभी आपकी लीन मसल्स बन पाएगी। कार्डियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है। अब कार्डियो जो है ज़्यादातर लोग जो है ट्रेडमिल पे ही रन करते हैं, साइकिलिंग वगैरह करते हैं, लेकिन आप आउटडोर रनिंग भी करिए और साथ ही साथ स्विमिंग भी कर सकते हैं, जिससे आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा। आज जो हम बता रहे हैं वर्कआउट के बारे में, नंबर वन जो है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग और दूसरा जो है सर्किट ट्रेनिंग, ये दोनों अलग अलग होते हैं, इस बात को ध्यान से देखें। दोस्तों सबसे पहले आप बात करते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में। इसमें क्या दोस्तों, इसमें हम जब किसी भी बॉडी पार्ट को वर्कआउट करते हैं तो उसमें 7 एक्सरसाइज हम करते हैं। 7 एक्सरसाइज में हम 4 सेट उसको लगाते हैं और जो रेपिटेशन होता है 20 से 50 के बीच में होता है। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में हमको रेस्ट भी लेना होता है, उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज हमें करनी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम बार करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन करते हैं, जिससे हमारी इंटेंसिटी बढ़ती है। अब बात करते हैं नंबर 2 सर्किट ट्रेनिंग के बारे में। दोस्तों इस ट्रेनिंग में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना होता है और हम एक और से शुरू करते और हल्की हल्की बारी कसरत करते हैं। इस ट्रेनिंग में कोई भी कसरत हैवी वेट नहीं करनी होती है। हमको 6 रेप्स माने होते हैं, जैसे कि आप पुलअप्स कर दिए, चिनअप्स कर दिया या डिप्स कर दिया, इस तरह से आपको कंटिन्यूस करना है या बॉक्स जंप आपने कर दिया है, इस पर आपको रेस्ट नहीं लेना होता, कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी होती है, जैसे लेग प्रेस कर दिया, इस तरह से आप इन सभी एक्सरसाइज को एक साथ ही करना होता है, सारे एक्सरसाइज को मिक्स करके एक साथ ही करना होता है, जो होता है सर्किट ट्रेनिंग। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट होता है आपका डाइट प्लान। अगर आप सही डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो आपका जो बॉडी वेट है और आपका जो बॉडी का फैट परसेंटेज वो कम हो जाता है। मान लेते हैं आपका जो वेट है लगभग 60 किलो के आसपास है, तो आपको प्रोटीन 120 ग्राम लेना होता है, जिससे आपकी मसल्स रिकवरी होती है और ये जिससे आपकी लीन मसल्स बनती है। तो ये वीडियो था लीन मसल्स के लिए। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।